इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करने वाले इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस और सिस्टम्स की स्टडी, डिजाइन और एप्लीकेशन से जुड़ा होता है। और अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत से डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड हो गया है, जिनमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे बहुत सारे फील्ड शामिल हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आप क्लास 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड जानकारी देने वाले हैं, जिसमें इस कोर्स का क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस, जॉब ऑप्शंस और स्कोप सब कुछ शामिल है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 साल की ड्यूरेशन का ऐसा कोर्स है जो इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, मैग्नेटिज्म, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग और टेली कम्युनिकेशन से डील करता है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसका फोकस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पर रहता है। इस डिप्लोमा कोर्स के सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मशीन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा शामिल होते हैं। ये कोर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और सिस्टम्स की स्टडी ऑफर करता है। इस कोर्स की मदद से इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डिजाइन भी किया जा सकता है और डेवलप भी किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट के पास इस फील्ड की टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज आ जाती है और वो इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेंड हो जाते हैं। इस कोर्स के जरिए आप 10th क्लास पास करने के बाद अगले 3 साल बाद ही जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फर्दर स्टडी के ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहते हैं। तो आइए इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया के बारे में हम जानते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 10th कम से कम 50% मार्क्स से पास करना जरूरी है। इस क्लास में आपका साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स स्टडी करना भी जरूरी है, जिनमें 50% मार्क्स भी होने चाहिए। और हाँ, क्लास 10th में आपके कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस। इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन जनरली मेरिट बेस पर होता है, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड होता है, जबकि कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही इस कोर्स में एडमिशन देते हैं। ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आसाम पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट यानी कि आसाम पैट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक टेस्ट, मध्य प्रदेश प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, उड़ीसा डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, केरला पॉलिटेक्निक कॉलेज एडमिशन टेस्ट और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। और अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्सेज के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हम दोनों डिप्लोमा कोर्सेज के बीच के फर्क को जान लेते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इन दोनों ही कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल होती है। दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए 10th बोर्ड एग्जाम पास करना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और कन्वर्जन से डील करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की हेल्प लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिजाइनिंग, एम्पलीफाइंग और स्विचिंग से डील करती है। अब जानते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT जालंधर, ACMT पॉलिटेक्निक न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि IIKM चेन्नई, डॉक्टर MGR पॉलिटेक्निक कॉलेज तिरुवन्नामलाई और SSK कॉलेज चेन्नई। तो इस कोर्स की फीस 30,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक हो सकती है और फीस में ये वेरिएशन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। एक डिप्लोमा होल्डर को हायर करने वाली टॉप कंपनीज में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LTD, एमोसन, सर्वोमैक्स और फ्यूजी इलेक्ट्रिक शामिल है। इस कोर्स को आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज महाराष्ट्र, विजडम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश और कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एंटरप्राइजेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट तो ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रहती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप जॉब शुरू कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, टेक्निकल ट्रेनर, ट्रांसफॉर्म डिजाइन इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर और फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर जैसी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद फर्दर स्टडी का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको मिलने वाला करियर स्कोप काफी बेहतर होगा, और इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जिसमें आप लेटरल एंट्री स्कीम से एडमिशन ले सकते हैं और बैचलर डिग्री कंप्लीट करके मेंटेनेंस इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर इलेक्ट्रिकल मैनेजर, लेक्चरर और प्रोफेसर जैसी पोजीशंस पर जॉब कर सकते हैं और 3-6 लाख पर एनम तक का सैलरी पैकेज भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री लेने की बजाय शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जरिए अपनी स्किल्स में सुधार करना चाहते हैं तो आप इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन CCNA, सर्टिफिकेट कोर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन हार्डवेयर नेटवर्किंग और सर्टिफिकेट कोर्स इन रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स एक्सेट्रा। डिप्लोमा करने के बाद मिलने वाली शुरुआती सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ से शुरू होती है, जो 40,000 रुपए पर मंथ तक इंक्रीज हो सकती है, और ये सैलरी एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज भी होती है, लेकिन इसे डबल होने में 10 साल तक का टाइम लग जाता है, जबकि हायर स्टडीज करने के बाद इस सैलरी में लगभग 40% तक का हाइक आ जाता है। इसलिए डिप्लोमा लेने के बाद हायर एजुकेशन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, और इस तरह आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और उसके जरिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका सपोर्ट हमारे लिए है एक असली मोटिवेशन, और वो हमेशा चाहिए हमें आपसे। इसी के साथ कोई नया सवाल है, किसी नए टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए, और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है आप सबका तहे दिल से स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।